हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ और महत्वपूर्ण पर्सन जो कि एएलपी ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी जीडी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अभी तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। वो देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और देखिए, आप जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ इन्हें आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए, एक बार ट्राई करके देखिए, जो भी आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए। इससे आपको भी पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन का जो अभी एग्जाम चल रहा है कुछ इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम समूह है, इनमें से कौन सा विषम है, तो आपको ये बताना है। एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि जो बच्चे इसका आंसर सही देंगे तो मतलब उनकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। पहला है, देखिए यहाँ पे जैसे ए ऑप्शन है, 12 और 23 का अगर हम सम करें तो ये 35 के इक्वल होगा, यानी कि जो मिडिल संख्या यहाँ पे लिखी है वो बाहर दोनों संख्याओं का सम है, बाहर वाली दोनों संख्याओं का सम है, तो ये 23 और 12 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सी में देखिए, 15 और 25 भी आप प्लस करें तो 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 32 और 8 देखें, ये भी 40 हो जाएगा, बट 24 और 17 को अगर प्लस किया जाए तो कितना होता है, 41, और ये कितना है, 40, यानी कि ये ही विषम हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे कि इसमें भी बीच में 40 लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, बट इसमें नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसको राइट लगा देंगे। तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर सोचेंगे कि मैं 100% इसको सही करके आऊँ, और बाद में जब देखेंगे आप आंसर किया जाती है, अच्छा इसमें ये गलती थी, तो थोड़ा सा सोचने के बाद ही आंसर लगाए, डायरेक्ट एकदम तो बिल्कुल मत लगाए, क्योंकि एकदम देखते जो क्वेश्चन आपको हो जाता है उस पर अगर वो जल्दी भी हो गया है उस पर फिर भी थोड़ा सा मतलब एक बार देखना चाहिए कि हाँ इसमें इतना आसान क्या था कि जो मैंने इतनी जल्दी सोल्व कर लिया। ठीक है, और वैसे भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट आपका है बेमेल सब छांटिए। अब बेमेल सब छांटिए, इसमें से देख लीजिए एक बार, बुक लिखा है, अलमीरा लिखा है, मैगजीन लिखा है, नोवेल लिखा है। अगर आप देखें तो बुक को भी पढ़ा जा सकता है, मैगजीन को भी पढ़ा जा सकता है, नोवेल को भी पढ़ा जा सकता है, बट अलमीरा को नहीं पढ़ा जा सकता, इसका मतलब अलमीरा ही बेमेल हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक बार ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, यदि रमन को 1, 2, 3, 2, 5 और दिनेश को 6, 7, 5, 4, 8, 9 लिखते हैं तो हमाम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने ट्राई तो कर लिया होगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, रमन को आपको 1, 2, 3, 2, 1 के कोड में लिखा गया है, दिनेश को आपको 6, 7, 5, 4, 8, 9 के कोड में लिखा गया है, तो हमाम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, H के लिए क्या कोड यूज किया गया है, H के लिए 9, तो बस आपको 9 लिख देना है। A के लिए क्या यूज किया गया है, A के लिए आपका 2, तो इसका मतलब 2 लिख दीजिए A के लिए। फिर यहाँ पे M के लिए क्या यूज किया गया है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे A के लिए फिर 2, तो यहाँ पे A के लिए 2, M के लिए फिर 3, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, 9, 2, 3, 2, 3। ठीक है, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एक जरूर आएगा और आप इसको 100% करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इनका ना कोड ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि ए को 2 लिखा गया है, एम को 3, ऐसा क्या लिखा गया है, तो इसमें कोड ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा इसका आंसर इस तरीके से देना होता है। ठीक है, और देखिए आप ना प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रहे हैं, जो आप मैं बहुत सारी पुरानी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उन्हें देख लेंगे तो रीजनिंग आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग का। अगर मिक्स वीडियो भी देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं अगर उनको भी देख लिया, कम से कम भी 50-60 वीडियो में मिक्स वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मिक्स क्वेश्चन है। सेपरेट वीडियो तो मैंने चैप्टर वाइज सारी अपलोड की है, मिक्स क्वेश्चन की भी मैंने 50-60 वीडियो अपलोड कर दी है अभी तक। अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक बार, निम्न श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें गलत संख्या कौन सी है वो आपको निकालनी है। देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन भी, आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को रोक करके। देखिए 9 इंटू 2
नौ दुनी 18 प्लस 1 कर दिया यहाँ पे, देखिए 9 दुनी 18, 9 की 2 में की और प्लस 1 कर दिया गया। फिर 19 इंटू 2 कितना होता है आपका 38, और 38 में से माइनस 1 किया गया है तो 37, यानी कि अब हमें पता चल गया पहले वाली संख्या में 2 की मल्टीप्लाई की जा रही है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, अब की बार क्या करेंगे फिर से आप प्लस कर देंगे, तो 37 इंटू 2 कितना होगा 74 और प्लस 1 75 हो जाएगा, ठीक है। फिर 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150 और माइनस 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 149। फिर आपका 149 इंटू 2 कितना होगा 298, ठीक है, और एक प्लस होगा तो कितना होगा यहाँ पे आना चाहिए था आपका 299, और यहाँ पे क्या लिखा है 297। इसका मतलब राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसमें गलत संख्या क्या हो जाएगी 297। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ट्राई करके देखिए, आशा करता हूँ कि आप इसको भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, ऐसे कोई स्पेसिफिक सीरीज तो नहीं है बट यहाँ पे एक चीज चल रही है, देखिए ए बी, फिर यहाँ पे सी डी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है, फिर ई एफ, यानी कि दो दो के पेयर चल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या चलेगा ई एफ जी एच और आई और जे, तो बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सी जी आई जे, सी जी आई जे इज द राइट आंसर। तो कहीं कुछ जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है, कई बार क्या होता है सीरीज दिखने में बड़ी हार्ड लगती है कि आप यहाँ पे क्या आएगा, आप पेयर बना के देखिए, कभी कभी दो दो के पेयर, कभी तीन तीन के पेयर, कभी एक छोड़ के एक पेयर, कुछ इस तरीके से पेयर्स बने रहते हैं। तो यहाँ पे ए बी का बन गया, फिर सी डी का बन गया, दो छोड़ दिया आपने ई एफ, फिर आपका जी एच का बन गया और यहाँ पे आई और जे का बन गया, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न श्रृंखला पूरी कीजिए, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, यहाँ पे सबसे पहले 2 में प्लस 3 किया गया तो 5 हो गया, 2 में प्लस 3 किया गया तो 5 हो गया, फिर यहाँ पे 5 लिखा है, 5 में प्लस 4 किया गया तो 9 हो गया, फिर 9 में प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, यानी कि क्या चल रही है सीरीज प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि जो पहला नंबर होगा उसमें प्लस 3 करना है, प्लस 4 करना है, प्लस 5 करना है, नेक्स्ट किसका नंबर आएगा प्लस 6 का, तो यहाँ पे कितना है 14, 14 में प्लस 6 करेंगे 20, और 20 से नेक्स्ट क्या आएगा 7 प्लस होगा तो 20 में प्लस 7 करेंगे तो 27, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो बहुत ही आसान आसान सी सीरीज पूछी जा रही है, और इस टाइप की सीरीज तो कहीं आती है आपके एग्जाम में भी, एएलपी एग्जाम, एएलपी टेक्नीशियन के, और आगे देखिए ग्रुप डी आरपीएफ का एग्जाम आने वाला है, तो आप पूरी जी जान से लगा दीजिए। अगर किसी का एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम मतलब फॉर्म भर रखा और ग्रुप डी का भी, और उनका ग्रुप डी का बाई चांस मतलब सही नहीं गया है एग्जाम किसी कारणवश से, तो अभी पूरा ग्रुप डी में जी जान लगा दीजिए। ग्रुप डी का ऐसा मत समझिएगा, ग्रुप डी की जो बेकार होती है, बहुत सारी ट्रेड होती है इसमें, और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, प्रमोशन भी होता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी कि आपको इसमें ही रहना पड़ेगा, ये करना है, 2 साल की जॉब होती है ग्रुप डी की, फिर आगे आप इनमें शिफ्ट हो जाते हैं एलपी टेक्नीशियन में, ठीक है। तो अपनी जी जान लगा दीजिए, मेहनत करिए, जितनी वीडियोज़ अपलोड करके सारी देख लीजिए दोबारा से, अगर आपने देख भी रखी है तो ये मत सोचिए कि मेरे से सब कुछ आते, दोबारा से रिपीट करिए सारी की सारी, पूरी प्रैक्टिस बना लीजिए, मतलब जब तक आपका एग्जाम होगा। एग्जाम डेट अभी कंफर्म नहीं है, जिस दिन भी आएगी बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप बस अपनी मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या आएगा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, मतलब आप इजीली आंसर कर लेंगे, और ये मैंने थंबनेल में भी लगाया बाहर की भी, कि आपने अगर देखा होगा तो थंबनेल, देखिए रिक्त स्थान में संख्या भरिए, ये आपको भरना है। अब अगर ये आपको भरना है तो रिलेशन किस डायरेक्शन में बन सकता है, या तो कुछ इन दो का रिलेशन बन रखा होगा, ठीक है, कुछ इसका और कोई बाहर की वैल्यू का भी रिलेशन हो सकता है, इन दो के रिलेशन से बन रहा होगा, ठीक है, ऊपर से तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, अगर ऊपर से बनता तो फिर नीचे वालों का रिलेशन होता सभी का, बट नीचे वालों का ऐसा कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5 चौक 20, फिर यहाँ पे 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8 में से 5 जाएंगे 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी कि आपके यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में से 6 को माइनस किया कितना है 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा 4, यानी कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये मत सोचिएगा, बहुत से बच्चे क्या करेंगे इसकी को निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे,
मतलब अब पहला स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, चलिए आपने माइनस करके 4 की मल्टीप्लाई करी, ये मिल गया। फिर नेक्स्ट आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे आपका 5 से ही मल्टीप्लाई करनी है, तो इस तरीके से सीरीज नहीं बनती है। कई बार एक ही नंबर होता है और वो पहला नंबर लिखा होता है, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है ना। जैसे पहला नंबर 4 लिख दिया, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई 4 की कर दी, अब नेक्स्ट भी 4 की कर रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी सीरीज ही 4 से चल रही है। ये पहला नंबर यहाँ पे लिख के ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त संख्या है ये वाली आपको निकालनी है, तो यहाँ पे इन दोनों के रिलेशन से कुछ ना कुछ ये नेक्स्ट बन रहा होगा। तो किस तरीके से बनेगा ये देखिए, सबसे पहले अल्फाबेट्स को देखते हैं। ए में प्लस 2 किया तो सी आ गया, और सी में प्लस 2 किया तो ई आ गया, यानी कि इनमें तो प्लस 2 चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जी में प्लस 2 किया तो आई आ गया, ठीक है, और आई में प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, के आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी ये सीरीज चल रही है। अगर इनकी बात की जाए अब नंबर्स की, तो यहाँ पे 4 और 2 कितना होता है 6, 9 और 5 14, तो इसी तरीके से यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा K8 इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मतलब इस टाइप के इससे हार्ड आपके एग्जाम में आने वाले भी नहीं है। ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन और आपका RPF यही क्वेश्चंस रिपीट रहते हैं, इसी टाइप को थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिया जाता है, आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, एक बार ट्राई करिए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आपने सभी ने इसका राइट आंसर कर दिया होगा। ठीक है, जिस प्रकार जूता का संबंध चमड़े से है, उसी प्रकार कुर्ते का संबंध किससे होगा। देखिए जूता किससे तैयार होता है, चमड़े से, तो कुर्ता किससे तैयार होगा, आपका धागा से, वस्त्र सूत्र, और आपका ये होगा सूत, और ये होगा आप कपड़े से, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो कुर्ता आपका कपड़े से तैयार होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, कथन और निष्कर्ष का एक क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, या दोनों सही होंगे, या पहला और दूसरा कोई सा भी सही नहीं होगा। कथन में क्या बोला गया है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सुनील बुद्धिमान नहीं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, उसने बताया कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो इसका मतलब उसकी तो पूरी क्लास बुद्धिमान है। अब ये आप ये नहीं कह सकते कि हर एक क्लास में सभी बुद्धिमान नहीं हो सकते, कथन में बोला गया है, तो इसका मतलब सभी बुद्धिमान है, ठीक है, और सुनील बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, तो ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि मेरी क्लास के तो सब बुद्धिमान है, और जो अगर सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका निष्कर्ष सही निकलता है, सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कथन में ऐसा कुछ मतलब हम बोल नहीं सकते कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो क्योंकि कथन में सिर्फ मेरी कक्षा की बात की गई, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, सुनील मेरी बुद्धिमान नहीं है, तो सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। तो पहला ही आपका राइट रहेगा निष्कर्ष, ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंसिल रबर एवं स्टेशनरी के संबंध को किस आरेखा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बार सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, पेंसिल रबर और स्टेशनरी एक दूसरे से कुछ रिलेटिव है, मतलब कुछ रिलेशन रखते हैं एक दूसरे से, तो बिल्कुल रखते हैं। पेंसिल रबर और स्टेशनरी ये दोनों चीज़ कहाँ पे मिलते हैं, स्टेशनरी पे। तो कोई ना कोई आपको एक ऐसा डायग्राम देखना पड़ेगा, एक ऐसा वेन डायग्राम देखना पड़ेगा जिसमें दो चीज़ें एक तरफ हो, और उसमें मतलब कि स्टेशनरी के अंदर में दोनों चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाए। तो ये जो डायग्राम है शो क्या करता है कि तीनों चीज़ें अलग हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट ये वाला आपको सम वाली कंडीशन को शो कर रहा है कि कुछ पेंसिल रबर हैं, कुछ रबर स्टेशनरी है, तो ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप क्या ये क्या शो कर रहा है कि रबर और पेंसिल का कुछ रिलेशन बता रहा है या फिर किसी और का बता रहा है, बट यहाँ पे एक को अलग कर रखा है, तो ये भी नहीं हम बोल सकते। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाहर वाला डायग्राम जो आपका रहेगा ये स्टेशनरी का रहेगा, और जो दो अंदर ये छोटे डायग्राम है ये किसके हो जाएंगे, पेंसिल और रबर के, यानी कि ये वाला राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई। तो इस तरीके भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं और कोशिश करूंगा कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता रहूं। तो बस आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जो छोटा सा आपको त्रिभुज का निशान नीचे दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिए तो नीचे प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी आपके सारी की सारी, वहाँ से जाके आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। या फिर आप चैनल पर विजिट करते रहा करें, चैनल पर विजिट करने के लिए आपको जो नीचे TS वाला DP दिखाई देती है अपने चैनल की, तो इस पर क्लिक करके आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेली वीडियोज़, प्लेलिस्ट वीडियोस, कम्युनिटी वीडियोस, वो सारी आपको लाइन में मिल जाती है। तो जो भी आप देख सकते हैं उनको देख लिया करें, और जो अभी तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो खुद भी जुड़िए और कम से कम अपने दो दोस्तों को तो जरूर बताइएगा ताकि और का भी किसी का बेनिफिट हो सके। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।